नाजरीन आज की इस वीडियो में जो हम पश्तो बोल चाल के अल्फाज सीखने वाले हैं वो नहायत ही ज़रूरी हैं पश्तो बोल चाल के लिए जब आप पश्तो में बोल चाल सीखना चाहते हैं तो आप इन इनफ़ाज को सीखे बगैर बोल चाल कभी भी नहीं सीख सकते तो आइए चलते हैं ये कौन से अल्फा हैं ये समझते हैं हम कहते हैं ना उर्दू में अपने लिए कि कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो हम इसके लिए कहते हैं कवल शम जब हम कोई काम करते हैं काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जब लड़का लड़की अपने लिए बोलते हैं तो हम कहेंगे कवले शम कवले शम और जब हम इसको नेगेटिव तौर पर कहते हैं कि नहीं कर सकता या नहीं कर सकती जब हम अपने बारे में कहते हैं तो हम कहेंगे नशम कवले, नशम कवले तो हमारा जो ये वर्ब है ये नेगेटिव में लास्ट पे चला जाएगा आखिर पे जिस तरह कवले शम हम लगा रहे हैं कवले वर्ब है तो ये पहले आ रहा है और जब नेगेटिव में बनाएंगे तो न शम कवले ठीक है नहीं का मतलब है न और सकता शम और कर जो है कवले ठीक है अभी हम इसको मज़ीद आगे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं कि मैं बात कर सकता हूँ मैं बात कर सकता हूँ ज़ या हम इसको लड़की के लिए इस्तेमाल करें कि मैं बात कर सकती हूँ लड़की अपने लिए तो हम कहेंगे खबरा कवल शम खबरा मतलब मैं बात और कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कवल शम अगर नेगेटिव तौर पर हम इसको इस्तेमाल करें कि मैं बात नहीं कर सकता या मैं बात नहीं कर सकती तो हम इसको ऐसे कहेंगे ज़बर न शम कवले हमारा जो ये वर्ब है ये लास्ट पे चला जाएगा ठीक है जखबरा मैं बात नशम नहीं कर सकता नशम कवल इसके बाद हम दूसरे जुमले में इस्तेमाल करते हैं यही अल्फाज के मैं काम कर सकता हूँ मैं काम कर सकता हूँ तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं लड़की के लिए कि मैं काम कर सकती हूँ जब लड़की अपने लिए बोलेगी तो ऐसे कहेगी तो इसकी पश्च तो ऐसे होगी जकार कवल शम जकार कवलेशम शम हमारा जो वर्ब है सिर्फ वो चेंज होगा बाकी सेंटेंस वही रहेगा ज़कार कवलेशम शम ठीक है तो यहाँ पे काम है तो काम को हम कार कहते हैं और कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कवलेशम शम जब हम इसको नेगेटिव तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि मैं काम नहीं कर सकता या मैं काम नहीं कर सकती तो हम इसको ऐसे कहेंगे जकार नशम कवले ज़कार नशम गवले इसके बाद हम आगे मज़ीद कुछ ऐसे अल्फाज सीखते हैं कि सिर्फ हमारा वर्ब चेंज होगा बाकी सेंटेंस यही रहेगा मिसाल के तौर पर कि खा सकता हूँ खा सकता हूँ या खा सकती हूँ हम इसको अपने लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे कहेंगे ख्वाडल शम ख्वाड़ शम तो क्या चीज़ खा सकता हूँ आगे हम सीखते हैं जुमलों में पहले हम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे नहीं खा सकता या नहीं खा सकती तो हम ऐसे कहेंगे नशम ख्ड़े तो ये खुड़ले हमने पॉजिटिव में सीखा था कि खुड़ शम यहाँ पे नेगेटिव में नशम खुड़ले हमारा वर्ब जो है ये लास्ट पर चला जाएगा आगे बात समझ में जब हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे कि मैं खाना खा सकता हूँ या मैं खाना खा सकती हूँ जब लड़का लड़की दोनों अपने लिए कहेंगे तो जडोड खुड़ शम जडोड मैं खाना और खा सकता हूँ या खा सकती हूँ खोड़ शम जब हम इसको नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे कि मैं खाना नहीं खा सकता या मैं खाना नहीं खा सकती तो फिर हम इसको ऐसे कहेंगे जडोडे नशम खुड़े जडोडे नशम खड़ले Yup. अगर हम आगे जुमले में इसको इस्तेमाल करें कि मैं हलवा खा सकता हूँ ऊपर वाला था खाना खाने को डोडे कहते हैं यहाँ पे है, है। हलवा मैं हलवा खा सकता हूँ या मैं हलवा खा सकती हूँ तो हम सिर्फ यहाँ पे डोडे की जगह हलवा लगा देंगे सेंटेंस बाकी हमारा वही रहेगा कि ज़ हलवा खोड़ शम ज़ हलवा खोड़ शम और मैं हलवा नहीं खा सकता या मैं हलवा नहीं खा सकती ज़ हलवा न शम जहलवा नशम खोड़ ले तो कोई भी चीज़ हो खाने के वाली हवाले से कि आप जिसको कहें कि मैं खा सकता हूँ या मैं खा सकती हूँ सिर्फ उस चीज़ का नाम आपने ऐड कर देना है बाकी जुमला वही रहेगा इसके बाद अगला जो लफ्ज़ है कि पका सकता हूँ या पका सकती हूँ तो लड़का लड़की जब कहेंगे अपने लिए तो हम कहेंगे पखवल शम पखवल शम और हम अगर ये कहें कि नहीं पका सकता या नहीं पका सकती अपने लिए तो फिर हम कहेंगे नशम पखवल नशम पखवल मज़ीद आगे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं क्लियर आप समझ जाएंगे कि मैं बरयानी पका सकता हूँ या मैं बरयानी पका सकती हूँ लड़का लड़की अपने लिए कहें तो ज़ बरयानी पखवल शम ज़ बरिया पखवल शम और जब हम इसको नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि मैं बरयानी नहीं पका सकता या मैं बरयानी नहीं पका सकती फिर हम इसको ऐसे कहेंगे ज़ बरयानी न शम पखावल वरब हमारा आखिर पर चला जाएगा ज़ बरानी न शम पखव्ले अगले जुमले में इसको इस्तेमाल करते हैं कि मैं खाना पका सकता हूँ या मैं खाना पका सकती हूँ लड़का लड़की दोनों अपने लिए कहेंगे तो जोडे पखावल शम है पखवल शम और अगर इसको नेगेटिव तौर पर इस्तेमाल करें कि मैं खाना नहीं पका सकता या मैं खाना नहीं पका सकती फिर हम इसको ऐसे कहेंगे पुष्त जुबान में कि जडोडे नशम पखवल ज़डोडे नशम पखवल तो आपने इसको इसमें जो भी चीज़ ऐड करनी हो मतलब कि मैं चावल बना सकता हूँ मैं चावल पका सकता हूँ मैं चावल पका सकती हूँ मैं चावल नहीं पका सकता चावल को रुझे कहते हैं ठीक है तो जरूजि पखवल शम जरूज नशम पखवल आपने इसको अपने हिसाब से फिर ऐड कर देना है इसके बाद अगला एक लफज है कि बना सकता हूँ या बना सकती हूँ बना सकता हूँ या बना सकती हूँ ऊपर वाला जो जुमला था हमने सीखा था कि पका सकता हूँ कोई चीज़ कुकिंग हो रही है लेकिन यहाँ पे बनाने के हवाले से काम हो रहा है तो इसके लिए हम कहेंगे जोड़ावले शम जोड़ावले शम और नहीं बना सकता या नहीं बना सकती फिर हम कहेंगे नशम जोड़ावले नशम जोड़ा वले तो हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं आपको वजाहत के साथ समझ आ जाएगी कि मैं जूस बना सकता हूँ या मैं जूस बना सकती हूँ तो हम इसको ऐसे कहेंगे जूस जोड़ा वले शम जजूस जोड़ा वाले शम तो जो चीज़ आग पे बनेगी आग पे मतलब पकेगी उसके लिए हम जोड़ा वाले का लफज नहीं इस्तेमाल कर सकते पखा वाले का लफज इस्तेमाल करेंगे ठीक है और जो आग के बगैर बनेगी चीज़ तो उसके लिए हम जोड़ा वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं जजूस जोड़ा वाले शम और मैं जूस नहीं बना सकता जजूस न शम जोड़ा वाले अगले जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि मैं दीवार बना सकता हूँ या मैं दीवार बना सकती हूँ फिर हम कहेंगे ज देवाल जोड़ा वाले शम क्योंकि दीवार को देवाल कहते हैं ठीक है ज देवाल जोड़ा वाले शम और अगर नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे कि मैं दीवार नहीं बना सकता या मैं दीवार नहीं बना सकती फिर हम कहेंगे देवाल न नशम जोड़ा वाले देवाल न नशम जोड़ा वाले तो बहुत आसानी के साथ इसको आप सिर्फ वर्ब चेंज करेंगे बाकी जुमला आपका वही रहेगा इसके बाद अगला जो लफ्ज़ है कि उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ मतलब कोई चीज़ नीचे पड़ी हुई है और हम उसके बारे में कहते हैं कि उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ हम कहेंगे उच तवल शम शम और अगर हम इसको नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल करें कि नहीं उठा सकता या नहीं उठा सकती तो हम कहेंगे नशम शम नशम उचतवले जुमलों में इस्तेमाल करते हैं कि मैं मेज़ उठा सकता हूँ या मै मेज़ उठा सकती हूँ तो मेज़ को मेज़ ही कहेंगे पशतू जबान में जमेज़ उच शम जमेज़ उच शम और अगर इसको नेगेटिव में इस्तेमाल करें कि मैं, मैं मेज़ नहीं उठा सकता या मैं मेज़ नहीं उठा सकती फिर हम कहेंगे जमेज़ नशम उच तवले नशम उच अगर हम अगले जुमले में इस्तेमाल करें कि मैं ब्लाक उठा सकता हूँ या मैं ब्लाक उठा सकती हूँ जब लाक और अगर नेगेटिव में इस्तेमाल करें कि मैं तो ब्लाक नहीं उठा सकता या मैं ब्लाक नहीं उठा सकती तो जब नशम उच तवले नशम उचले तो इसको आपने इस तरह इस्तेमाल करना है आखिरी जुमला हम सीखते हैं फिर हम वीडियो को एंड करते हैं कि बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ जब हम अपने बारे में कहते हैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ तो हम कहेंगे वयल शम वायले शम और अगर हम कहें कि नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती हम अपने बारे में कहें तो नशम वयले नशम वयले अभी हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि मैं झूठ बोल सकता हूँ मैं झूठ बोल सकता हूँ या मैं झूठ बोल सकती हूँ ज दरोरो शम झूठ को दरोह कहते हैं ठीक है ज दरो वयलेल शम और अगर हम ऐसे कहें कि मैं झूठ नहीं बोल सकता या मैं झूठ नहीं बोल सकती फिर हम इसको ऐसे कहेंगे ज दरो नशम वले ज दरो नशम वले तो नाजरीन ये थे आज के कुछ जुमले जो कि मैंने आपको बता दिए हैं आसान अंदाज में उम्मीद है आप गए होंगे तो ये जुमले हम सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं चाहे हम लड़के हों या लड़की हम अपने लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल करेंगे दूसरे बंदे के लिए सामने वाले बंदे के लिए हम इन जुमलों को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं अगली वीडियो में अपना भी ख्याल रखें और अपने इस के चैनल का भी अल्लाह हाफिज़